गुड मॉर्निंग भैया बहनों, सब सकुशल होंगे। आज ये वीडियो 5-7 दिन बाद में बन रहा है। पिछले वीडियो में जो पढ़ाया था आपने अपने होमवर्क में गृह कार्य की कॉपी में कर लिया होगा, उसका आप दोहरान करते रहे हैं। आज हम पढ़ाएंगे विराम चिन्हों का प्रयोग कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, कहाँ किया जाता है, इन चीज़ों की जानकारी हम करेंगे। हम लिखते समय अशुद्धि करते हैं, मात्रा अभ्यास में गड़बड़ कर देते हैं, और कहाँ रुकना है, कहाँ पूर्ण विराम लगाना है, कहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है, ये हमें जानकारी नहीं है। इसलिए ये प्राइमरी जानकारी है, ये आगे तक आप बड़ी कक्षाओं में जाएंगे वहाँ तक भी आपको ये याद रखना है। ये जानकारी आगे कोई नहीं बताएंगे, इसलिए आप अभी यहीं ध्यान दे लें, इस स्टेज पे ही ध्यान दे लें। अल्प विराम कहाँ लगाया जाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ लगाया जाता है, पूर्ण विराम कहाँ लगाया जाता है, विस्मय बोधक कहाँ लगाया जाता है, ये हम आज पढ़ाएंगे। तो उनमें से अल्प विराम किसे कहते हैं, यानी लिखते समय हम थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं, अल्प विराम कहते हैं, यानी थोड़ा सा रुकना, रेस्ट करना, आराम करना। जैसे रास्ते चलते रागीर चल रहा है और रास्ते में जा रहा है, नीम का पेड़ आ गया, उसने सोचा कि थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, बस वो थोड़ी देर के लिए रुकना ही अल्प विराम होता है। ये आपको जानकारी है। उसमें से लिखते समय हमें थोड़ी देर के लिए रुकना है, उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं, और विराम चिन्ह से उस वाक्य का या उन शब्दों का अर्थ स्पष्ट हो जाता है, इसलिए विराम चिन्ह लगाते हैं। अब आप ध्यान देंगे, सबसे पहले उनमें से अपना पहला है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह पढ़ा रहे हैं अपन। विराम चिन्हों में से पहला अपन जो ले रहे हैं वो अल्प विराम। अल्प विराम कहाँ लगाया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। पहले तो अपन को इसकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए, परिभाषा याद होनी चाहिए, वो क्या है, पहले तो उसके बारे में अपने दिमाग में, माइंड में फिक्स हो जाए कि हमें अल्प विराम कहाँ लगाना है। वाक्य में जहाँ थोड़ी देर के लिए रुकना पड़े, या वाक्य में एक ही प्रकार के दो से अधिक, एक ही प्रकार के दो से अधिक शब्दों का प्रयोग, दो से अधिक शब्दों का प्रयोग किया गया हो, किया गया हो, तो अल्प विराम या विराम चिन्ह लगाया जाता है। विराम चिन्ह कहाँ लगाया जाता है, जहाँ थोड़ी देर के लिए रुकना पड़े। वाक्य लिखते समय जहाँ थोड़ी देर के लिए रुकना पड़े, वहाँ पे विराम चिन्ह लगाया जाना चाहिए। या वाक्य में एक ही प्रकार के दो से अधिक शब्दों का प्रयोग किया गया हो, तो अल्प विराम या विराम चिन्ह लगाया जाता है। जैसे उदाहरण है, तुम परिश्रम करो सफलता मिलेगी। तुम परिश्रम करो, यहाँ रुक गया, अल्प विराम लग गया, सफलता मिलेगी, वाक्य खत्म, पूर्ण विराम हो गया लास्ट में, अंत में। ऐसे ही दूसरा उदाहरण है, राम श्याम, अल्प विराम लग रहा है, राम अलग है श्याम अलग है, थोड़ा थोड़ा विराम है, राम श्याम मोहन और सुधीर अच्छे छात्र है, ये एक साथ है, इनमें थोड़ा थोड़ा विराम है, मोहन और सुधीर अच्छे छात्र हैं, ये पूरा वाक्य हो गया। राम श्याम, यहाँ पे अल्प विराम है दोनों में, राम में बोलने में थोड़ा रुक गया, फिर श्याम में बोलने में भी रुकना पड़ गया, इसलिए जहाँ रुकना पड़ता है वहाँ पे अल्प विराम लगाया जाता है। जहाँ अपन
थोड़ी देर के लिए रुक गए, वही अल्प विराम हो गया। आ गया आपके समझ में अल्प विराम किसे कहते हैं, अल्प विराम कहाँ लगाया जाता है, ये आपके समझ में आ गया। अगर समझ में नहीं भी आता है तो जब भी आप पुनः इसको देखें फिर भी समझ में नहीं आता है तो हम सबके नंबर दे रखे हैं आपको, उन नंबरों पे आप बातचीत करें, वार्तालाप करें, हमसे पूछें। ठीक, इसके बाद में है अर्धविराम। अर्धविराम, अर्धविराम का चिन्ह ये होता है, चिन्ह भी पता रहना चाहिए। अल्पविराम का चिन्ह ये इस कोष्ठक में है, अल्पविराम का चिन्ह। और अर्धविराम यानी अर्धविराम भी है इसमें, और एक ऊपर आपके दिख रही होगी बिंदी, छोटी सी, छोटा सा गोला दिखाई दे रहा होगा ये, और उसके बाद में ये अल्पविराम का चिन्ह लगा हुआ है। ये दोनों चिन्ह लगते हैं वहाँ पे अर्धविराम होता है। अर्धविराम का मतलब आप जानते हैं कि उससे थोड़ा अधिक समय, अल्पविराम से थोड़ा अधिक समय रुकना पड़े, उसको हम अर्धविराम कहते हैं। जैसे ये चिन्ह है, अब आपको चिन्ह मान लो हम पढ़ाते वक्त आपको पूछें भैया अल्पविराम कौन सा है लगाना, देखे अर्धविराम लगाना है या अल्पविराम लगाना है, प्रश्नवाचक लगाना है, विस्मय बोधक लगाना है। विस्मय बोधक क्या है ये अब आपको सबकी जानकारी करनी पड़ेगी। अर्धविराम तो ये आपका वाक्य है, वाक्य को पढ़ते समय जब हम पुस्तक पढ़ते हैं या वाक्य को पढ़ते हैं तो वाक्य को पढ़ते समय जहाँ अल्प विराम से कुछ अधिक देर ठहरना पड़ता है, यानी उससे डबल अल्प विराम से थोड़ा अधिक रुकना पड़ता है, उसको हम कहते हैं अर्धविराम। वहाँ अर्धविराम हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए समय बड़ा बलवान है, रुक गया, अल्प विराम से अधिक समय रुक गया, समय बड़ा बलवान है। समय तो है ही, क्योंकि समय तो है ही, समय तो बहुत बड़ा है। समय इसलिए बड़ा है, समय बदलता है तो हर इंसान बदल जाता है। आज ये कोरोना का युग है, इसमें आज खास रिश्ते भी नज़र नहीं आ रहे हैं, कोई एक दूसरे के घर नहीं जा रहे हैं। ये थोड़ा विशेष समय की बात आ गई है, इसलिए कह रहा हूँ मैं, समय बदलता है तो हर इंसान बदल जाता है। और समय खा जाए किसी के हाल पे तरस तो कलम का लिखा बयान भी बदल जाता है, इसलिए समय की बात है। तो आप देखिए उदाहरण में आया है समय बड़ा बलवान है, ये पता था क्या कोरोना आ जाएगा? नहीं था। इसलिए समय ही मूल्यवान है, समय बड़ा बलवान है। आज हम इस कोरोना काल में कोरोना से संघर्ष कर रहे हैं, अपने घर में बैठ करके अपनी सुरक्षा कर रहे हैं, हैं एक दूसरे की सुरक्षा कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखना चाहिए। तो हमें भी कोरोना का भी ध्यान रखना है और अपने सेल्फ सुरक्षा भी रखनी है, इसलिए आज हम वीडियो से आपको पढ़ा रहे हैं जब तक कोरोना ख़त्म नहीं हो जाएगा। कोई समय सीमा नहीं है इसकी। अब आपको ये गृह कार्य भी, एक मिनट भैया ध्यान देना, समय बड़ा बलवान है, उस पर किसी का वश नहीं चलता, कोई किसी का वश नहीं चलता, कोई कुछ नहीं कर सकता, समय को पकड़ नहीं सकता। समय का कोई वो नहीं है कि आप इंसान को पकड़ सकते हो लेकिन समय को नहीं पकड़ सकते, क्या पता कब पलटी मार जाए। समय का भरोसा नहीं है, कभी भी पलटी मार सकता है। इसलिए भैया बहनों जो ये गृह कार्य हम करवा रहे हैं, आपको बता रहे हैं, इसको आपके गृह कार्य में करना है, और अच्छा लगे तो आपको इस वीडियो को सब्सक्राइब भी करना है। धन्यवाद।